हेलो व्यूवर्स, मैं हूं अहमद फरीद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल गार्डन डायरीज बाय अहमद फरीद। आज के एपिसोड में हमारे पास जो प्लांट है ये आउटडोर का प्लांट है और फुल सन के अंदर ये ग्रो करता है और इसे बेबी सन रोज प्लांट कहते हैं। तो इसमें आमतौर पे जो प्लांट्स होते हैं ये दो तरह के प्लांट्स होते हैं। इसमें एक जो है वो वेरीगेटेड है, जैसे ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ये देखें इसके जो पत्ते हैं उनका शेड जो है वो उसके अंदर वेरीगेशन है। इसके दरमियान में ग्रीन पत्ता है और साइडों से इसका जो है वो थोड़ा सा वाइटिश येलो कलर का पत्ता है। और ये जो है ये फुल ग्रीन पत्ते वाला प्लांट है, आउटडोर में गर्मियों में खास तौर पे बहुत अच्छा ग्रो करता है, बहुत अच्छा थ्राइव करता है। हैंगिंग बास्केट्स के अंदर जो है इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। कोई ऐसी दीवार जहाँ पे आपको दोनों साइडों के ऊपर प्लांट चाहिए तो ये किसी भी आप गमले में किसी भी पॉट में लगा के रखें तो ये उसे दोनों साइडों से बल्कि चारों साइडों से उसे अच्छे तरीके से भर लेगा और बड़े अच्छे तरीके से ये फैलता है। और इसको बड़े खूबसूरत पिंक कलर के फूल निकलते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें इस तरीके से, ये देखें। तो बहुत खूबसूरत पौधा है और बड़ी तेजी से ग्रो करने वाला पौधा है और गर्मियों में ये खास तौर पे ये बहुत तेजी से फैलता है और बड़ी अच्छे तरीके से ग्रो करता है। खासतौर पर जैसे अभी आगे रेनी सीजन आएगा तो उस रेनी सीजन में इसकी ग्रोथ जो है वो मजीद अच्छी हो जाती है। सकुलेंट फैमिली से इसका ताल्लुक है और इसको आमतौर पे पानी की जरूरत जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। आप सिर्फ इस पानी इसको सिर्फ उस वक्त दें जब इसके जो जो इसकी मिट्टी है, जैसे अभी आप देख सकते हैं ये देखें ये मिट्टी इसकी बिल्कुल ड्राई है, ये देखें। तो ये अपने पत्तों में सकुलेंट प्लांट जितने भी होते हैं ना ये एरिड क्लाइमेट के प्लांट्स होते हैं। एरिड से मुराद ये है कि खुश्क जो इन्वायरमेंट होता है उसके ये प्लांट्स होते हैं और ये अपने पत्तों के अंदर इनके फ्लैशी पत्ते होते हैं ना जो इस तरह के, ये देखें मोटे मोटे, तो इसके अंदर ये पानी अपने लिए स्टोर करके रखते हैं ताकि इन केस ऑफ इसको पानी की कोई शॉर्टेज पेश आए तो ये अपने पत्तों से जो है वो पानी की कमी को पूरा कर ले। तो बहुत ज़्यादा पानी जो होता है वो इनके पत्तों को, इनकी जड़ों को ख़राब करता है, इनके पत्ते गलना शुरू हो जाते हैं, जड़ें गलना शुरू हो जाती हैं और ये प्लांट जो है आहिस्ता आहिस्ता ये मर जाता है। तो अभी आज हमने आपको दो चीज़ें बतानी है, एक तो हमने इसको रिपॉट करना है और इसे एक बड़े पॉट के अंदर लगाना है, दूसरा हमने इसकी कटिंग्स जो हैं उनसे इसको फर्दर ग्रो करने का जो मेथड है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ये कटिंग के साथ बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रो हो जाता है और इसमें कोई भी आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आती। बिगिनर्स जो गार्डनर हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा प्लांट है समझने के लिए और प्लांट को रीग्रो करने के लिए। तो ये मेरे पास दो छोटे पॉट्स पड़े हुए हैं, ये देखें, और ये मेरे पास जो है वो एक सिंपल गार्डन सॉइल पड़ी है जिसके अंदर मैंने थोड़ी सी कंपोस्ट जो है वो ऑलरेडी मैंने मिक्स की हुई है। तो इसी गार्डन सॉइल और कंपोस्ट का जो मिक्स है इसके साथ हमने इन अपने जो छोटे प्लांटर्स हैं इनको हमने भर लेना है इस तरीके से। ये इसके अंदर सारी मिट्टी जो है वो मैंने डाल दी है और इसके अंदर सैंड मैंने मिक्स की हुई थी। तो ये ध्यान में रखें कि इनको जो मिट्टी चाहिए होती है खास तौर पे जो ये सकुलेंट जितने भी होते हैं वो मिट्टी थोड़ी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, इसके अंदर पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास पानी की थोड़ी बहुत कमी बेशी किसी वक्त हो जाए तो इसके अंदर पानी जो है वो अगर ज़्यादा खड़ा होगा तो ये पौधे जो हैं ये गल जाते हैं, ये ख़राब हो जाते हैं। तो ये दोनों पॉट्स जो हैं इनको हमने अच्छी तरीके से ये मैं मिट्टी से भर लेता हूँ इस तरीके से, और फिर अभी इसमें थोड़ी मिट्टी कम है मैं इन दोनों प्लांटर्स को भर लूँ मिट्टी से और फिर उसके बाद जो है हम इसकी कटिंग काटते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसे हमने कैसे प्रोपेगेट करना है। ये देखें ये इसकी हैंगिंग में आप चेक करें, ये छोटा सा पॉट है इसके अंदर कटिंग्स लगाई थी और यहाँ पे आप देखें इसकी जो ग्रोथ है वो कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ है और इसके साथ जो है ये देखें कितनी बड़ी बड़ी जो इसकी शाखें हैं ये लटक रही हैं, थोड़ी सी नाजुक होती हैं और लेकिन ये ग्रो इसी तरीके से करता है। अभी हमने इसकी जो कुछ कटिंग्स हैं, कटिंग काटने से पहले ना आप इसमें हम सिर्फ ये देखें कि इसके कौन सी ऐसी ब्रांचेज हैं जो कि किसी जगह से पंच हो गई हैं या टूट गई हैं। तो यहाँ पे ये देखें ये एक ब्रांच हमें नज़र आई है कि जो इस तरीके से टूट गई है और इसकी ग्रोथ जो है फर्दर वो मुतासर हो सकती है। तो इसे यहाँ से इस तरीके से मैंने काट लिया ताकि इसकी जो बाकी ब्रांचेज हैं वो डिस्टर्ब ना हों। इसको अभी काट के हम छोटी छोटी ब्रांचेज जो हैं उसमें बाद में तकसीम कर लेंगे और इसमें हम देख लेते हैं कि कोई ऐसी ब्रांच जो किसी वजह से, अब ये देखें ये भी एक ब्रांच है तो ये भी पहले से ही तकरीबन टूटी हुई है, थोड़ी सी जुड़ी है तो इसको भी हम यहाँ से काट देते हैं। तो ज़्यादा पौधे को आप डिस्टर्ब ना करें, सिर्फ उतनी ब्रांचेज जो आपको चाहिए वो आप समझते हैं कि आप लगाना चाहते हैं उतनी ब्रांचेज जो है वो आप एक्स्ट्रा लेंथ में जो ब्रांचेज हैं आपके पास वो आप काट लें इसमें से। अब देखें यहाँ पर आप देखें ये दो चीज़ें जो समझने की ज़रूरत है, आप यहाँ पर देखें यहाँ पर पत्ते के ऊपर इसकी एक ब्रांच पहले से निकल रही है तो अगर हम इसे यहाँ से काट देंगे इधर से तो ये ब्रांच ग्रो करके ना ये वाली जो ब्रांच रह गई है पीछे ये ग्रो करके तो इसकी जगह कवर कर लेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसकी जो लेंथ है वो एक्स्ट्रा लेंथ जो है वो भी कंट्रोल में आ जाएगी हमारे पास।
तो इसको जो है वो आप मतलब अगर बहुत ज्यादा काटना चाहें, आप चाहें कि इसको आपने छोटे पॉट के अंदर रखना है और इसको आपने बुशी बनाना है, तो आप इसकी जितनी चाहें इसकी एक्स्ट्रा लेंथ में आप ब्रांचेस सारी काट सकते हैं। लेकिन अभी हमने इसको रीपॉट करना है और इसका इसे हमने एक बड़े पॉट के अंदर लगाना है। तो बड़े पॉट के अंदर लगाने के लिए इसकी मैं बहुत ज्यादा ब्रांचेस नहीं काट रहा, अभी ये छोटे पॉट में लगाने के लिए हमारे पास ये ब्रांचेस जो है ना ये काफी ज्यादा है पहले से ही। तो अभी इसकी हम छोटी कटिंग्स बनाते हैं, उसका मैं तरीका आपको बता देता हूँ कि कटिंग हमने कैसे बनानी है। ये देखें सर, यहाँ से हमने इस तरह से काटना है, ये देखें, और इसके जो नीचे के पत्ते हैं एक्स्ट्रा लीव जो हैं ये सारे हमने रिमूव कर देने हैं इस तरीके से। और ये इतना जो इसका तना है इतना ये मिट्टी के अंदर चला जाएगा तो ये काफ़ी है हमारे लिए। और यहाँ पे हमने आप देखें कि इसका ये छोटी कटिंग है, इसको भी हम यहाँ से काट देते हैं और इसको हम यहाँ से काट देते हैं और इसको हम यहाँ से काट देते हैं इस तरीके से। तो ये एक कटिंग जो है ये हमारे पास बन के ये रेडी हो गई है। तो इसी तरीके से हम इसकी बाकी सारी कटिंग्स भी रेडी कर लेते हैं। ध्यान हमने ये रखना है कि कोई ऐसी ब्रांच हम ना काट दें कि जहाँ से फिर वो ग्रो ना कर सके। तो ये देखें यहाँ पे अब दबाने के लिए हमारे पास चूंकि ये जगह कम है तो इसको हम ये वाली छोटी ब्रांच जो है इसको हम यहाँ से काट देते हैं और इससे ये होगा कि ये हम इसको जमीन इसको मिट्टी में अच्छे तरीके से हम इसको दबा सकेंगे। तो इसकी मैं फर्दर ब्रांचेज नहीं बना रहा, दो मेरे पास ये हो गई। तो इसी तरीके से जो ये छोटी ब्रांचेस हमने काटी हैं इसके भी जो नीचे वाले पत्ते हैं ये इस तरह से ये नीचे पत्ते ये हमने इस तरीके से काट देने और ये भी एक छोटी ग्राफ्टिंग जो है ये हमारे पास ये भी बन गई। तो इसी तरीके से इसकी सारी जो है ना कटिंग्स ये देखें, जैसे ये है हमारे पास तो ये बहुत छोटी कटिंग है, ये भी वैसे चल सकती है। मतलब आप ये ध्यान में रखें कि इसकी इतनी छोटी सी कटिंग जो है ना वो भी चल सकती है अगर आप इसकी प्रॉपर केयर कर लें। तो ये इतना मतलब आप कह लें कि ईजी टू ग्रो प्लांट है। तो अभी आप देखें ये यहाँ पे हमारे पास ये जो छोटे इसके पत्ते थे ये मैंने यहाँ से काट दिए हैं और इतना हम इसे मिट्टी में दबा देंगे और इसकी कटिंग जो है यहाँ से इसको मैंने इधर से काट दिया है इस जगह से। तो एक ये कटिंग है ये हमारे पास बन गई। तो ये अब इसका ये है कि ये सूखे बगैर जल्दी जल्दी आगे चलना शुरू हो जाएंगी और तेजी से ग्रो करने लगेंगी। तो इसको यहाँ से काटा तो ये छोटी ब्रांच एक हमारे पास इसकी छोटी कटिंग बन गई इस तरीके से। तो इस तरीके से ना आपने सारी कटिंग्स जो है इसकी ये हमने इस तरीके से बना लेनी है। ये देखें ये है, अब इसमें मिट्टी में दबाने के लिए हमारे पास ये काफी इसका इतना तना कम से कम जो है वो हमने उसको मिट्टी में दबाना होता है इतना तना। तो ये सारी कटिंग्स जो है इसकी इसी तरीके से हम बना लेंगे। ये देखें यहाँ से इसको काट दिया हमने और इस तरफ ये हमारे पास जो स्पेस है इसमें जो छोटे लीव्स हैं ये देखें ये छोटे लीव्स हैं ये भी हमने काट दिए इस तरीके से और इसको हम इतना हम मिट्टी में दबा देंगे तो ये भी चल जाएगी। तो इसी तरीके से ये सारी कटिंग्स जो है ना इनकी ये मैं एक ही दफ़ा बना लूँ तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ दोबारा और फिर हम इसको लगाने का जो तरीका है वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए ये कटिंग सारी हमारे पास रेडी हैं। अभी इसको लगाने से पहले जो है ना वो हमने इसको यहाँ से दोनों साइडों से इस तरह हल्का हल्का सा हमने इसको काटना है इस तरीके से ताकि जो रूट्स हैं वो यहाँ से अच्छे तरीके से हमारी रूट्स जो हैं डेवलप हो जाएं। और सिंपली इसको इस तरीके से इसका हमने झुकाव जो है वो इसका बाहर की तरफ रखना है और इतनी जो इसको हमने मिट्टी में दबा के इस तरीके से तो इसे हमने सॉइल के अंदर दबा देना है। तो ये सारी कटिंग जो हैं ये इसी तरीके से आप देखें इसको आप हल्का सा ऐसे एक साइड से ऐसे कर लें ताकि इसकी रूट्स जो है ना यहाँ से वो निकलनी शुरू हो जाएंगी और इसका झुकाव बाहर की तरफ रखें। जितने भी हैंगिंग प्लांट्स होते हैं ना उनको लगाते हुए पॉट में लगाते हुए खास तौर पे तो आप उसका झुकाव जो है वो बाहर की तरफ रखें ताकि वो अच्छे तरीके से जब फैलना शुरू हो तो वो पॉट के अंदर ना जाएं बल्कि वो बाहर की तरफ जाएं। तो इसको ये देखें यहाँ से हमने इस तरह से काटा और फिर हमने इसको भी इसी तरीके से हमने मिट्टी के अंदर दबा दिया। तकरीबन 1.5 से 2 इंच जो है वो हमने इसको मिट्टी के अंदर इस कटिंग को दबाना है और इसी तरह पॉट जो है पॉट इसको सहारा भी देगा और ये उसके साथ नीचे की तरफ जब फूटना शुरू होगी तो नीचे की तरफ हैंग करेगी और इसी तरीके से ये आगे ग्रो करना शुरू हो जाएगा आसानी के साथ। तो इसको भी हमने देखें इस तरीके से हमने दबा दिया अच्छे तरीके से मिट्टी के अंदर। तो ये सारी कटिंग्स जो हैं इस तरीके से लगाते हैं इनको, ये बड़ी आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। इसकी आप देखिएगा कि ये 5 से 6 दिनों में आपको इसकी रूट्स जो है नीचे वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगी और ये सूखेगा नहीं और ये तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अभी इसका मौसम भी है तो इस मौसम में तो ये वैसे ही बहुत अच्छा थ्राइव करता है। तो अभी लेकिन आप देखेंगे कटिंग जब भी कोई नई कटिंग लगाते हैं हम तो उसे कुछ दिन के लिए आप जो है वो पार्शियल सन के अंदर रखें, डायरेक्ट सनलाइट के अंदर धूप के अंदर ना रखें क्योंकि डायरेक्ट धूप में रखने से ये होता है कि उसके चांसेस होते हैं कि पौधा कहीं मुरझा ना जाए या सूख ना जाए। तो यहाँ पर दरमियान में हमारे पास जो स्पेस अवेलेबल थी उसमें हमने ये दो छोटी जो कटिंग थी हमारी इन दोनों को हमने यहाँ पर दरमियान में लगा दिया।
तो अभी ये बहुत सारे प्लांट्स जो है हमारे वो इसी तरह रेडी हो जाएंगे और ये पॉट जो है ये इसी तरीके से भर जाएगा। यहाँ पे आप ये देखें कि ये सिर्फ दो कटिंग्स हैं, ये दो कटिंग्स हैं जिन्होंने आगे बढ़ के तो ये कितना बड़ा हैंगिंग एरिया जो है वो क्रिएट किया हुआ है। तो ये जो है ये तो बहुत सारी कटिंग्स हैं, तो ये जब भरेंगी तो ये पूरे का पूरा पॉट जो है ये बहुत अच्छे तरीके से भर जाएगा और इसी तरीके से इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है वो इसको हमने एक दफा भर के पानी देना है, तो इसको हम भर के पानी देते हैं इस तरीके से पॉट को, और इस पॉट को जो है वो हम साए में रखेंगे एक दिन के लिए और उसके बाद जो है हम इसे पार्शियल सन के अंदर रख देंगे। तो ये देखेंगे हमारे पास एक बड़ा पॉट है, ये देखिए काफी बड़ा पॉट है। अब आप हैरान होंगे कि इतना बड़ा पॉट, इतने बड़े पॉट में ना ये 4 से 5 साल आसानी से सर्वाइव करेगा और ये बहुत अच्छे तरीके से थ्राइव करेगा। नॉर्मल गार्डन सॉइल मेरे पास है और इसके अंदर हमने रेत जो है वो हमने इसके अंदर पहले से मिलाई हुई है, और ये मेरे पास कंपोस्ट पड़ी थी, वो कंपोस्ट भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे ताकि जो है पौधा जो है वो इसके साथ इसको खुराक मिलना शुरू हो जाए और ये ग्रो करना शुरू कर दे। तो इसका जो नीचे होल है उसके ऊपर हम ये कैंकर रखेंगे ताकि पानी जो है वो तेजी से इसके अंदर से बाहर जल्दी ना निकले, और इसको हम फिर मट्टी से भरने से पहले, जैसे मैं पहले भी आपको पता है कि आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि थोड़ी सी मट्टी जो है नीचे, जो मोटी मट्टी होती है कैंकरों वाली, उसको आप इसी तरह पॉट के नीचे डाल दिया करें। उसका एक फायदा ये होता है कि ये जो बड़े कैंकर होते हैं ये आपकी मट्टी को खराब नहीं करते, और दूसरा नीचे जो है ना वहां पे ये पानी के गुजरने का रास्ता रखते हैं और पानी का जो निकास है, जो ड्रेनेज है, उसको बेहतर रखते हैं। तो ये नीचे थोड़ी सी मट्टी डाली, उसके ऊपर हमने ये खुश्क पत्ते थे मेरे पास वो हमने डाल दिए। कोई भी ऐसा प्लांट जिसने काफी अर्सा एक पॉट के अंदर गुजारना होता है तो उसके अंदर ये पत्ते जो है इस तरीके से डाले हुए हों तो ये बाद में गलने चढ़ने के बाद डीकम्पोज होते हैं, तो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं जब इसकी जड़ें जो है प्लांट की नीचे तक पहुंचती हैं। तो 4 से 5 महीनों में 6 महीनों में जब भी इसकी जड़ें नीचे पहुंचेंगी तो तब तक ये कंपोस्ट जो है ये बन के रेडी हो चुकी होगी और ये बड़ी आसानी से इसके अंदर ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए इसको हमने इसी तरीके से मट्टी से भर लेना है पूरे प्लांटर को। काफी बड़े साइज का गमला है ये, और इसके अंदर जो है ये नॉर्मल गार्डन सॉइल जो है वही हम इसके अंदर डालेंगे और इसके साथ इसको इस तरीके से हम फिल कर लेंगे। तो ये देखें इसको हमने यहां तक इसको हमने भर लिया इस तरीके से, और अभी यहां पे जो है इतनी गहराई में यहां पे हम थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करेंगे इस तरीके से, और इस पौधे को जो है वो हमने इसमें से बाहर निकालना है। मैंने इसको पानी नहीं दिया हुआ था, आप देख सकते हैं जैसा ये खुश्क है अभी, तो पानी इसको मैंने नहीं दिया था। ये देखिए इसकी जड़ें जो है वो इस जो छोटा पॉट था इसको इसमें से बाहर निकल आई है सारी की सारी। तो अभी इसको हमने एहतियात से इसके अंदर से निकालना है ताकि ये जड़ें जो है ये भी इसकी बच जाएं, और इसको जो है ये देखें ये इसकी रूट्स जो है ये कहां तक नीचे तक डेवलप हो चुकी हैं। तो किसी भी मट्टी में, आम नॉर्मल सॉइल में ये आसानी से ग्रो करने वाला प्लांट है, और यहां पे भी देखें तो इसकी डेप्थ जो है वो थोड़ी ज्यादा है, तो इसके नीचे हम थोड़ी सी मट्टी और डालते हैं क्योंकि डेप्थ इसमें जो हैंगिंग प्लांट्स होते हैं ना उसमें डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होती। तो यहां पे इसको रखे इस तरीके से, तो इसको हमने मट्टी से भर देना है। अब देखिए हमने इसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया और इसी तरीके से हमने इसको मट्टी से भर देना है। ये देखें ब्रांचेस को साइड पे करें हाथों से और इसको जो है वो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से मट्टी से भर दें, और मट्टी से भरने के बाद हम इसे पूरा पानी देंगे भर के एक दफा। उसके बाद जो है ये हमारा जो प्लांट है ये इसकी रिपॉटिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इस पॉट में क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा है और ये बहुत बड़ा पॉट है तो इसके अंदर ये 4 से 5 साल जो है इसके आसानी से गुजर जाएंगे। ये बढ़ेगा भी, थ्राइव भी करेगा, ये अब नीचे की तरफ हैंग करेगा, लटकेगा इसकी ब्रांचेस जो है, तो ये पूरे पॉट को चारों तरफ से अच्छे तरीके से कवर कर लेंगी और नीचे तक लटकती रहेंगी। इसकी जो ग्रोथ है वो तकरीबन कोई 2 महीने 3 महीने के बाद जो है ना वो एक दूसरी वीडियो में आपको मैं इसकी ग्रोथ भी एक दफा दिखाऊंगा दोबारा से। तो अभी ये प्लांट हमारा जो है ये रिपॉटिंग इसकी हो चुकी है और ये रेडी है, और अभी इसको हम यहाँ पे एक दफा पानी से अच्छे तरीके से भर देंगे और इसके बाद ये हमारा प्लांट जो है ये बिल्कुल रेडी हो गया। तो थैंक यू व्यूवर्स, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारी वीडियोस को देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम जो बाकी वाले प्लांट्स हैं उनसे रिलेटेड जो वीडियोस हैं आपके किचन गार्डनिंग से रिलेटेड, आपके इंडोर प्लांट्स से रिलेटेड और आपके आउटडोर और लॉन के जो प्लांट्स हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो आपके साथ हम शेयर करते रहें। बहुत शुक्रिया।